हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में लाई हो वाइट हैंड्स के लिए। हाथों में अक्सर हमारे टैन पड़ जाते हैं या फिर बहुत ही मतलब हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स के टोन के साथ हाथों की टोन एकदम ही मैच नहीं करती। इसलिए मैं जो रेसिपी या फिर DIY लाई हूँ, इसके लिए मैंने पहली इन्ग्रीडियंट मैंने डाल दी है, ये है केओलिन क्ले। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। ये बस दो ही इंग्रेडिएंट की मदद से आप एकदम इंस्टेंटली अपने हाथों की यू नो डार्कनेस को ऐसे चुटके में दूर कर सकते हैं। अभी इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। अभी आप लोगों को पता है क्ले बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे स्किन के लिए स्पेशली, और केओलिन के हमारे हेयर के लिए भी। मैं अभी आप बस अपने हाथों पे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इंस्टेंटली एंड विजुअली ऑब्वियसली कितना गोरा कर देगी मेरे हाथों को। दो तीन दिनों से मैं बहुत धूप में गई, मेरे हाथ पे टैन वगैरह आ चुके हैं, तो अभी मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है ये रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसे एक स्मूथ पेस्ट आपको लिक्विड ही बनानी पड़ेगी। अभी ये देखिए बन चुकी है। अभी मुझे इसको यूज़ करके आपको दिखाना है कैसे, और वो भी यूज़ आप बहुत ही गौर से देखिएगा और रिज़ल्ट भी आपको सामने ही दिखने को मिलेगी। हाय गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ इस पेस्ट के साथ। अभी मैं क्या करूँगी, उंगलियों से इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि क्ले जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है। तो अभी क्ले चिपक गया है, अभी इसको मैं हाथों की उंगलियों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अभी मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको अपने हाथों पे लगाने जा रही हूँ। आप देखिएगा, ऐसे आप अपने हाथों से भी, अपने हाथों की उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं, फिर ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। और स्पेशली मैं ये बात सबको बता दूँ कि ये मैं सिर्फ अपने हाथों पर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अपनी किसी भी बॉडी पार्ट पर यूज़ कर सकते हैं, फेस पे, हेयर पे, नेक पे, फुल हैंड, फुल लेग, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट भी आप खुद ही देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी लगाना कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ब्रश के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हाथों से लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं हाथों से लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथों की फ्रंट साइड पे मैंने ऑलमोस्ट लगा लिया है। अभी मैं ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी, उंगलियों पर भी मैं लगा लूँगी। आप देख सकते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है, और लगाने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड वाइज लगाना है। ये नहीं कि किसी भी जगह पे ज़्यादा लगा दिया, किसी भी जगह पे कम लगा दिया, आपको हर जगह पे इक्वली स्प्रेड करके लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको उंगलियों की मदद से ज़्यादा आसानी होगी लगाने में। अभी मैंने लगा दिया है, अभी मैं देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वाइट हो गई है। अभी जो ये कलर है ना, अभी इसको उठाने के बाद ये थोड़ा सा कलर छोड़ेगा, बाकी इसकी पूरी वाइट कलर आपकी हाथों को मिल जाएगी। कितना ऑसम लग रहा है ना सुनने में, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना आसान है। अभी जब दो ही इंग्रेडिएंट की मदद से इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आप कहीं नहीं देखेंगे। तो ये हो गया है मेरा फुल लगाना, अभी इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक ये सूख जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी सूख चुकी है। अच्छे से गौर से देखिएगा, उंगलियों पे ऐसे पूरी सूख गई है। अभी इसको क्या करना है हमको, वॉश। तो आप ठंडे पानी की मदद से इसको वॉश कर लीजिएगा, और अभी जो रिज़ल्ट देखने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे पता है। और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, मेरी हाथों जो दोनों हाथ है ना उसकी डिफरेंस ज़रा आप देखिए, गौर से देखिए, जिस हाथों पे मैंने लगाया है और जिस हाथों पे मैंने नहीं लगाया उसकी डिफरेंस ज़रा आप देखिए। आप देख सकते हैं एक हाथ कितना ज़्यादा गोरा और ब्राइट है। मैंने बताया था क्ले जो है वो थोड़ा सा रंग छोड़ेगा पानी के धोने की वजह से, बाकी पूरा का पूरा मेरा हाथ वाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वाइट हो गया। तो ये हुआ ना एक चमत्कार, दो ही बस दो ही प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप ये यूज़ करेंगे मास्क हफ्ते में एक बार, तो आप गोरे हाथों की मालकिन हो जाएंगे, और अगर कोई भी टैन प्रॉब्लम है तो वो भी चला जाएगा। तो अभी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करती हूँ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो भी आप लोगों की डिमांडिंग है मैं वही DIY लाऊंगी। सो आपके लिए बाय बाय।